बढ़ रही है ना आपके दिल की धड़कन बिल्कुल बढ़ रही है तो साढ़े छह हजार गाँव में वोट है बाकी के तीन प्रत्याशी खड़े हैं टोटल आपको ही वोट दे? क्यों वोट क्योंकि हमने काम किया है और आगे भी काम ही करेंगे तो सुनने में तो आ रहा है आप गांव में सबसे पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं एक बार दर्शकों को और गांव वालों को अपनी क्वालिफिकेशंस बता दीजिए उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि टक्कर में कौन खड़ा है मेरी क्वालिफिकेशन एम.सी.ए., बीएड मैथमेटिक्स और मैंने एचटेट क्वालीफाई कर रखा है जी तो गांव वालों से हमने बातचीत करी है उन्होंने बताया कि आप अकेली ऐसी प्रत्याशी हैं जो गांव वालों के लोगों के बीच में जाकर वोट मांगकर आई हैं मुद्दे रखकर आई हैं लेकिन और किसी प्रत्याशी ने ये काम नहीं करा तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप देखो जी और प्रत्याशी का तो मुझे पता नहीं है लेकिन अगर हमें जिम्मेवारी संभालनी है तो हमें जिम्मेवारी से वोट भी मांगने होंगे अगर हम जिम्मेवारी उठाने की हिम्मत रखते हैं तो वोट मांगने की हमें लोगों के बीच में हिम्मत रखनी पड़ेगी एक क्या हजार क्या हम पूरे गांव के बीच में बोल सकते हैं जी तो मतलब बात अगर मैं करूं तो अगर वोट मांगने की हिम्मत रखेंगी तभी तो कल को गांव वालों के जो काम है वो करवाने की हिम्मत रख पाएंगे बिल्कुल जी अब जिस तरह महिला में आई है तो महिला को ही आगे आना पड़ेगा यूँ नहीं है कि उसका पति सारा उसका संभाल लेगा महिला को आगे जाके दफ्तरों में मीटिंग भी अटेंड करनी पड़ेगी उन्हें बोलना भी पड़ेगा शासन प्रशासन से अपने गांव की समस्या को बताना भी पड़ेगा और उनके समाधान के रास्ते भी निकालने पड़ेंगे ये तो इन्होंने यही बात बोल दी मारी छोरिया छोरों से कम है के नहीं जी बिल्कुल नहीं है जी अब सरकार ने इतनी जिम्मेवारी दी है तो हम उसको पूरी करेंगे आज मैं आपको लेकर आई हूँ कैमरी गांव के अंदर और अगर आप पंचायत चुनावों की बात करें तो लगातार जो चुनाव की तारीख है वो पास आती जा रही है जो गांव वाले हैं उनके दिल की धड़कन तो बढ़ी हुई है क्योंकि गांव वालों के ऊपर ही पूरा मामला है कि वो एक अच्छा प्रत्याशी चुने ताकि आगे आने आने वाले पाँच सालों में अच्छा सरपंच चुने अच्छा विकास हो गांव में लेकिन क्या उसके साथ साथ जो प्रत्याशी है उनके दिल की धड़कन भी बढ़ रही है हमारे साथ फिलहाल एक प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है सीमा रानी इनका नाम है मैडम आपके दिल की भी धड़कन बढ़ रही है क्या नहीं जी हम नॉर्मल हैं क्योंकि हम अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं हाँ। और हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है गाँव वाले बहुत अच्छा हमारा समर्थन कर रहे हैं नहीं मेरे दिल की धड़कन नहीं बढ़ रही क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और हर एक ग्रामवासी का हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है और हर मतदाता हमारे पूरा सहयोग कर रहे हैं वर्कर जुड़ रहे हैं हमसे और वो पूरा हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई गांव में साढ़े छ हजार वोट है तीन प्रत्याशी खड़े हैं हम गांव में घूमे हैं लगातार लोगों से बातचीत करी है टक्कर पूरी है ठीक है लेकिन अगर बात करें तो ओम पटवारी जो आपके गाँव के प्रत्याशी है वो सर लगातार आप बोल रहे हैं कि वो आपको पूरी फाइट दे रहे हैं गांव वाले भी ऐसे कह रहे हैं और आप भी उन्हें पूरी फाइट दे रहे हैं तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप ये बताइए देखिए हमारी टक्कर और हमारा मुकाबला है गांव की समस्या के साथ मतलब किसी प्रत्याशी के, के, सार्थ प्रत्याशी सार्थ प्रत्याशी के साथ नहीं हम तो अपना मुकाबला मानते हैं कि गाँव में जो विकास कार्य जो समस्याएं हैं वो चुनौती है कोई प्रत्याशी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है क्योंकि गाँव का पूरा समर्थन पूरी भावनाएं इस बात के लिए आप किसी भी ग्रामवासी से पूछो सब कहेंगे कि अनिल काम करेगा और अनिल को बनाना ही ठीक है क्योंकि गांव का विकास अगर करवाना है तो अनिल को मत देने पड़ेंगे तो सबका समर्थन की भावना है हमारे सबसे पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं आप गांव में अगर हम बात करें तो जीत जाएंगी तो सबसे अच्छा विकास भी करा पाएंगी तो अपने तीन प्रायोरिटीज बता दीजिए कौन से तीन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रही हैं पहली तो बात यह है कि हमने शराब का वितरण ना करके चुनाव लड़ा है जी। ताकि अगर हम आगे भी नशा मुक्ति केंद्र खोले तो हम उनमें ये कह सकते हैं कि हमने कभी भी शराब का वितरण नहीं किया था वो जो अन्य प्रत्याशी हैं वो शराब का वितरण कर रहे हैं तो वो नशा मुक्ति केंद्र कैसे खोलेंगे मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे दूसरी बात यह है, है कि हम एक मिनट दूसरी बात यह है कि अगर गांव वाले हमें दूसरी बात यह है कि अगर गांव वाले हमें पूरा सहयोग देते हैं तो हम पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट और कैमरे लगवाएंगे ताकि जो मेरी माताएं और बहनें हैं वो किसी भी फंक्शन में शादी समारोह में या सत्संग में सुरक्षित बेखौफ एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके और तीसरी बात यह है, है कि हम देखो विद्यार्थी के रूप में मुझे भी ये गांव में कमी महसूस हुई कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए तो मुझे बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी आधुनिक लाइब्रेरी तैयार करवानी है ताकि बच्चे उसमें बैठ के अपने भविष्य का निर्माण कर सकें और बच्चे जैसे हम हमारे देश को आईएएस आईपीएस जैसे उच्च अधिकारी गांव को देश के डॉक्टर दे सके इंजीनियर दे सके जी तो शराब की आपने बात करी गाँव में हम घूमे हैं ये मुद्दा सबसे ज्यादा चुनावों में उठता है कि शराब बटती है पैसे भी बढ़ते हैं वोट मांगने के लिए आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हम ही ये सब करेंगे तो कल को हम सुधार कैसे लाएंगे और अगर हम बात करें तो शराब की वजह से सबसे ज्यादा घरेलू गृहस्थी की मैं बात करूं तो औरतों को ही दिक्कत होती है और महिला कैंडिडेट्स हैं उसके बाद भी गाँव में शराब बट रही है तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप देखो जी शराब पीकर वो आधे घंटे असर करेगी या दो घंटे असर करेगी लेकिन उनके घर में नुकसान कितना होगा उनके घर में लड़ाई होंगी दिन रात होंगी तो इससे घर का नुकसान होगा घर की शांति भंग होगी तो ये जो है घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है जी तो खेलों में आपका गांव हमेशा आगे रहा है अगर हम बात करें शर्मिला गोदारा जी की ओलंपिक्स तक पहुंच गई आपके गांव की लड़की है गांव का नाम रोशन करा और फुटबॉल टीम्स की बात करें हॉकी टीम्स की बात करें तो पिछले कुछ समय में गैप आ गया है अगर हम देखें एक दो खिलाड़ी हैं जो आगे तक पहुंचे हैं उसके बाद नहीं पहुंच पा रहे तो आप कारण क्या मानते हैं कि क्यों गैप आ गया है और अगर मेन सवाल कि अगर जिता देते हैं आपको तो इस गैप को कम करने का आप काम कैसे करेंगे देखिए इसमें कोई निश्चित तौर पर जो ना पहले हमारे गांव की बेटियों ने जो है शर्मिला के अलावा भी देखो शर्मिला बिटिया ने केवल गांव का ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है पूरे देश का नाम रोशन किया है उसके साथ भी और उसके अलावा भी बेटियां जो है ना हैंडबॉल खेलती थी हैंडबॉल में नेशनल लेवल पर भी बच्चे जो है ना काफ़ी मेडल लेकर के आए काफ़ी बच्चियाँ और काफ़ी बच्चे जो है ना जॉब भी लगे उसके बेस पे गैप आया कि जो हमारी एक कोच डीपी होती थी मैडम प्रवीणा जी सियाग जी उनकी वजह से ही बच्चियों में खेल था उनकी ट्रांसफ़र हुई या उनके जो भी कारण रहे वो जब उन्होंने गांव में उनका आवागमन कम हुआ और खेल को कम संभाला तो निश्चित तौर पर वो गैप आया और भरेंगे उसको गैप को अगर हमारे को गांव राम मौका देता है और अगर हम सरपंच बनते हैं तो उसको गैप को कवर करेंगे वही पोजीशन वापस लेकर के आएंगे बच्चियां फिर खेलेंगी और बच्चियों को सिक्योरिटी देंगे बच्चियों को कैमरे देंगे बच्चियों को एक अच्छी एक यूनिट देंगे जो उनकी जो है ना हर समस्या का समाधान करेंगे और उनको संसाधन देंगे चीज़ें देंगे सामान देंगे वापस उसी बात पर लेकर के आएंगे एक और भी शर्मिला जो है ना हम गांव से देंगे देश को मैं तो यही बात बोलूंगी एक क्यों दस दीजिएगा नहीं बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि सारी टीम इंडिया की हमारे गांव से हो बट हम बिल्कुल देंगे देखो हम प्रयास ये करेंगे कि बहुत सारी शर्मिला देंगे तो गांव वाले विश्वास करके जिता तो देते हैं हर बार की कहानी अगर हम देखे तो प्रत्याशी जीत जाते हैं बन जाते हैं उसके बाद वादे जो किए होते हैं वो भूल जाते हैं तो सबसे मेन सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि जनता को धोखा मत देना अगर जीत जाओगे तो और वादे मत भूल जाना देखिए चलो आप तो नए हो गांव के लिए हर ग्राम के बच्चे बच्चे को पता कि अनिल कभी झूठा वादा नहीं करता अनिल ने जो काम सरपंच बनने से पहले भी करके दिखाए कम से कम पचास काम तो ऐसे में टिप्स पे मेरे द्वारा बिना सरपंच बने करवाए करवाए गिनवा सकता हूँ जो कि लोग सरपंच बनने के बाद भी नहीं गिनवा पाएंगे इसलिए इस बात के तो गांव के बच्चे बच्चे को विश्वास है कि केवल काम की बात या काम या विकास के नाम पर जो मतदान होगा वो सौ प्रतिशत मुझे होगा इसमें कोई दो नहीं आप बेशक गांव के बच्चे बच्चे से पूछना कोई यू नहीं कहेगा कि अनिल झूठा वादा करेगा जी तो गांव में वोट साढ़े छह हजार है चुनाव चिन्ह बता दीजिए एक बार मैडम अपना ना, नारियल का पेड जी और बैलेट पेपर पे नंबर कौन सा है ये तीसरे नंबर पर है और गाँव इसको पहले नंबर पर लेके आएगा। तीसरे नंबर पर वोट डालेंगे तो आपका गांव आने वाले कुछ सालों में पहले नंबर पर पहुंच जाएगा बिल्कुल सही बात है निश्चित तौर पर इसमें कोई नहीं सबको गांव के बच्चे बच्चे को इस बात का एहसास है कि अनिल को जिताएंगे, तो देश में नंबर वन गांव बनेगा जी तो सुन सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका गांव कैमरी जो सबसे पहले नंबर पर पहुंच जाए अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैडम की शक्ल देख लीजिए नारियल का पेड़ चुनाव चिन्ह है तीसरा नंबर है पच्चीस तारीख को वोट डालकर जिता देना अगर गांव में विकास चाहते हो तो मैडम एक आखिरी अपील कर दीजिए वोटों की देखो जी हमारा तो काम करने का जुनून है और ये जुनून गांव वाले ही पूरा कर सकते हैं उनके सहयोग से ये जुनून पूरा होगा काम किया है और काम ही करेंगे धन्यवाद सर आप भी कर दीजिए एक बार मैं सभी ग्राम वासियों से एक एक से हाँ अपील करता हूँ कि आप मुझे सहयोग दें नारियल तो वाला बटन दबाएं गांव में काम करेंगे केवल काम की बात और कोई दूसरी बात नहीं धन्यवाद